गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट से पहले हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे वो क्या किए थे, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट, ये सभी हम कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इटरेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इटरेशन स्टेटमेंट? द इटरेशन स्टेटमेंट अलाउ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बी परफॉर्म रिपीटली अंटिल ए सर्टेन कंडीशन फुलफिल। इटरेशन स्टेटमेंट वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी एक ब्लॉक को बार बार रिपीट करती है जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल होती है। इन्हीं इटरेशन स्टेटमेंट को लूप्स या लूपिंग स्टेटमेंट बोला जाता है। ये आपके लूप होते हैं जैसे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। आपकी लूपिंग स्टेटमेंट टू टाइप की होती है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप कौन से होते हैं, जो एंट्री टाइम कंडीशन चेक करते हैं, और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से होते हैं, जो एग्जिट टाइम कंडीशन को चेक करते हैं। यहां पर एंट्री कंट्रोल लूप कौन से हैं, दो लूप हैं, फॉर और व्हाइल लूप, और डू व्हाइल क्या है, एक आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर मेनू बेस्ड आप प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पर डू व्हाइल लूप का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, एक बार जरूर चलेगा व्हेन यू हैव कंडीशन फॉल्स, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो, दोबारा अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा नहीं चलेगा। ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एंट्री टाइम ही कंडीशन चेक करेंगे, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी लूप बनाने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होती है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन एंड बॉडी ऑफ लूप। ये चार चीजें होनी बड़ी आवश्यक है। अगर आपके पास ये चार चीजें तो एक आप कंप्लीट लूप बना सकते हो। फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या है, लूप कहां से हमारा स्टार्ट होगा। सपोज करो आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो लूप आपका कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। अगर आपको 10 to 1 नंबर प्रिंट करने हैं तो आपका लूप कहां से स्टार्ट हुआ, 10 से और 1 तक आएगा। इनिशियलाइज एक्सप्रेशन में लूप आपका कहां से स्टार्ट होगा, एक ही बार ये एग्जीक्यूट होती है आपकी इनिशियलाइज एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये वो एक्सप्रेशन होती है जब तक यहां पर टेस्ट एक्सप्रेशन में कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। जब तक यहां टेस्ट एक्सप्रेशन में आपकी ट्रू या नॉन जीरो वैल्यू होगी, या तो क्या हो, ट्रू हो या क्या हो, नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे यहां टेस्ट एक्सप्रेशन में या तो जीरो होगी या क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो आप बॉडी ऑफ लूप से बाहर आ जाओगे। अपडेट एक्सप्रेशन, सपोज करो आपको अपडेट करना है, सपोज करो आपने क्या, मैंने अभी बोला था 1 to 10 नंबर करने थे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये होती है अपडेट एक्सप्रेशन। जैसे 10 to 1 नंबर प्रिंट करने तो 10 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 आएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो होती है आपकी अपडेट, 1 से 2 या 10 से 9, बॉडी ऑफ लूप। इसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जो क्या है, एग्जीक्यूट होंगी किस, जब, कब एग्जीक्यूट होंगी, जब टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगी या नॉन जीरो वैल्यू होगी, तब ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती है जो बार बार आपकी रिपीट होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक बार हम इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे, फ्लो चार्ट कैसे होता है कोई भी लूप का। देखो इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर आप अपडेट करोगे एक्सप्रेशन को, अपडेट करने के बाद दोबारा कंडीशन को चेक करोगे, कंडीशन दोबारा ट्रू है फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आप अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद फिर टेस्ट एक्सप्रेशन में जाओगे, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन में फॉल्स है तो आप कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। एक बार आप फॉर लूप देखिए, फॉर लूप कैसे काम हमारा करता है, फॉर लूप देखो, फॉर लूप क्या है, एक आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, फॉर और व्हाइल दोनों क्या है, आपके एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एंट्री टाइम कंडीशन चेक करते हैं। और फॉर लूप C++ में सबसे आसान लूप होता है, क्योंकि
यहां पर एक ही प्लेस पे सारे एलिमेंट होते हैं, मतलब यहीं पर इनिशियलाइजेशन, यहीं पर टेस्ट एक्सप्रेशन, यहीं पे अपडेट एक्सप्रेशन। बाकी और लूपों में ऐसा नहीं होता। वाइल और डू वाइल में कहीं तो इनिशियलाइजेशन होती है, कहीं टेस्ट एक्सप्रेशन, कहीं अपडेट एक्सप्रेशन, ऐसा ही डू वाइल में। पर फोर लूप क्या है, सारी वैरायटी एक छत के नीचे ही देता है, मतलब सारे एलिमेंट एक ही जगह मिल जाते हैं। देखो फोर, इसका सिंटेक्स क्या है फोर लूप का, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। देखो यहीं पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, यहीं पे आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है, यहीं पे अपडेट एक्सप्रेशन है। फिर ये आपका क्या है, देखो यहां पर एक बार लूप इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर यहां पर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एक्सप्रेशन में हम अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर यहां पर फिर कंडीशन अगेन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट। ये बॉडी ऑफ लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक एक्सप्रेशन यहां पर ट्रू रहेगी, फिर जाएगा फिर अपडेट करेगा, अगर यहां पर एक्सप्रेशन ट्रू या नॉन जीरो वैल्यू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, फिर अपडेट जाएगा, या यहां पर जीरो वैल्यू है या एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आप कहां आ जाओगे, लूप से बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओगे। इस तरह ये फॉर लूप करता है, एक ही जगह इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन होती है। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप, मतलब एक प्रोग्राम करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 1 to 10 नंबर प्रिंट करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। एक प्रोग्राम बनाएंगे भाई 1 to 10 नंबर पर प्रिंट करने हैं। ये आईओ स्ट्रीम कोनियो, ये आप सभी को पता ही है, क्या है हमारी हेडर फाइल है, दीज आर हेडर फाइल। मेन क्या है आपका फंक्शन, आई क्या है एक वेरिएबल है, ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जिसमें आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हो। देखो सिंटेक्स क्या होता है, आप फोर लिखते हैं, यहीं पे आपका इनिशियलाइजेशन होता है, इसके बाद सेमीकोलन, फिर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर आपका अपडेट एक्सप्रेशन, फिर आपका बॉडी ऑफ लूप। इस तरह आप काम करते हैं। अब देखिए, देखो अब जब जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसा है, फोर आई बराबर है 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। देखो आई की वैल्यू क्या है 1, देखो एक बार जरूर इनिशियलाइज होगा, आई की वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू। मैंने बताया था अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी यहां पर तो वो बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा। बॉडी ऑफ लूप में क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट कर रखी है और आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहां से क्या आ जाएगा, लूप दोबारा अपडेट करेगा एक्सप्रेशन को, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई की वैल्यू यहां पर क्या होगी 2, फिर कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या है 1 नहीं है, अब क्या है 2, क्योंकि हम यहां पर अपडेट कर चुके हैं, और आई की वैल्यू क्या होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन आपकी ट्रू, अगेन आपकी क्या है ट्रू है, ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, कर्सर यहां था यहां जाएगा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2। फिर लूप में जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू 2 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन को चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन क्या हुई आपकी ट्रू, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 3, i लेस देन इक्वल टू 10, i की जगह क्या रख देंगे 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, ट्रू तो बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा और i की वैल्यू प्रिंट कर देगा और i की वैल्यू क्या है 3। इस तरह जाता जाएगा ये यहां तक, कहां तक प्रिंट कर देगा 7, 8, 9 तक प्रिंट करा लेते हैं। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 9 प्रिंट हो गया, यहां पर i की वैल्यू में 9 प्रिंट हो गया, इसमें जाएगा
i की वैल्यू क्या कर देगा, 10 कर देगा, i की वैल्यू क्या कर देगा, 10 कर देगा। फिर कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू क्या होगी अब 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन अगेन क्या हुई, ट्रू, ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर एंट्री कर जाएगा और यहां से i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब क्या करेगा, i की वैल्यू क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, i की वैल्यू 10 थी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू 11 है, 11 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होते ही नई लाइन पे हम क्या चाहते थे, 1 टू 10 नंबर प्रिंट करना चाहते थे, तो वो हमारे प्रिंट हो गए। इस तरह हम फॉर लूप का यूज करेंगे। एक बार फिर यही प्रोग्राम डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। देखो इनिशियलाइजेशन, आई की वैल्यू क्या हुई 1, यहां से क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, देखो कंडीशन ये है आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हुई ट्रू। फिर बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा, देखो ये बॉडी ऑफ लूप है तो यहां से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर अपडेट, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अपडेट, फिर अपडेट करेगा, आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अपडेट होने के बाद फिर किस, फिर किसको चेक करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर यहां आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन ट्रू। फिर बॉडी ऑफ लूप में फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अब आई की वैल्यू क्या होगी 1 नहीं है 2 है, 2। फिर अपडेट करेगा, यहां जाएगा, अपडेट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू। फिर बॉडी ऑफ लूप में आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 10। सपोज करो यहां पर कंडीशन क्या आई, 10 लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी ऑफ लूप में गया, बॉडी ऑफ लूप में आई की वैल्यू प्रिंट कर दी और आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी हमारी 10 प्रिंट करी। फिर क्या होगा, अपडेट करेगा, देखो इस लूप के अंदर आएगा, अपडेट करेगा, आई की वैल्यू 10 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, दोबारा जाएगा आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई की वैल्यू क्या है हमारी 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होते ही कहां चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या है गेट सीज, और 1 टू 10 आपके क्या हो जाएंगे प्रिंट। इस तरह आप फोर लूप पे प्रोग्रामिंग करोगे, फोर लूप पे और भी बहुत सारे आप काम कर सकते हो। तो ये थे आपके फोर लूप के प्रोग्राम, और भी फोर लूप के साथ कल काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।